देश में मंत्री से लेकर सरकारें सभी अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के खिलाफ मिड डे मील की महिलाएं 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जिन्हें ना तो सरकार द्वारा पीने का पानी नसीब हो रहा है और ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था की गई। और यह सब तो छोड़िए, सरकार इनकी सूद लेने को भी तैयार नहीं है। इस नारी शक्ति का साहस तो देखिए, 45 डिग्री की तपती धूप में भी अपने अदम्य साहस का परिचय दे रही है। और तो और, बदलते मौसम को देखते हुए बरसात में भीग कर अपने इंसाफ के लिए इरादों को मजबूत बनाए हुए हैं। SGM कोर्ट के बाहर इतनी तादाद में बैठी महिलाओं की भीड़ होने के बावजूद और हाईवे रोड पर प्रदूषण का धुआं सहन करती हुई यह बताने की कोशिश कर रही है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए नारी शक्ति इससे भी कड़ी परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। खुद सुनिए। ये हमारे आंदोलन इससे धरने के बाद जी 1000 रुपये हमारे बढ़ाए हैं, या 1000 रुपये से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारी मांगे क्या थी, 18000 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। क्या 1000 रुपये से हमारा गुजारा होगा? नहीं होगा जी। तो हमारी साल में 2 ड्रेस लागू होनी चाहिए, ये भी उन्होंने नहीं सुनाई किया। और हमारी रिटायरमेंट के बाद कुछ होना चाहिए, ये भी नहीं ध्यान दिया। और हमारी श्रमिक कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, ये कुछ भी मांगे नहीं मानी है हमारी। क्या हम इतने लायक ही हम महिलाएं हैं जी? हम बहुत मेहनत करती हैं, और इस 1000 रुपये में क्या हमारी मेहनत सफल होगी? नहीं होगी। सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे 18000 रुपये तो न्यूनतम वेतन होना ही चाहिए, और हमारे 5000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, सालाना 2 ड्रेस होनी चाहिए, स्थायी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए, और रजिस्टर में हाजिरी लगनी चाहिए। आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और हमारा ये कमेटी ही फैसला देगी जी। हमारी मांगे अच्छी तरह से नहीं मांगी गई है, और हमें 18000 रुपये वेतन महीना के मांगी थी, और 5000 रुपये पेंशन का, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। 5000 पेंशन सर्दी कर मेरे छुट्टे को पैसे न काटे जाए, और हमें हमारे साल में 2 ड्रेस लागू की जाए। हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, संगीता जैन की कोठी पे भी गए थे और रामविलास शर्मा कोठी पे भी गए, हमें कुछ भी नहीं मिला है। और ना के बराबर हमें थोड़ा सा दर्जा दिया गया है, ताकि एक धरना धर रहे हैं, इसके ऊपर पानी गिर दिया गया है। और तो सुना आपने, इन महिलाओं का दर्द इस देश में कभी किसान, कभी अध्यापक, कभी सरकारी कर्मचारी, तो कभी बैंक कर्मचारी अपनी बातों को मनवाने के लिए और अपना दर्द दिखाने के लिए सरकार को सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, सरकार को समझना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद।